तो ये वीडियो सीरियस नोट पे होने वाला है, तो जिन लोगों को यहाँ पे दिक्कत है एपिक्स लेजेंड मोबाइल के हेड सुनने में तो वो यहाँ पे इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एपिक्स लेजेंड मोबाइल कैसे इंडिया के अंदर डेड हो जाएगा। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। यदि आपको गाली देना है तो कमेंट आपके लिए खुला है, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। यदि आपको डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, हालांकि डिसलाइक आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर क्यों एपिक्स लेजेंड मोबाइल डेड हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन है कि ये गेम बहुत ज्यादा फास्ट है। अब आप बोलोगे कि भाई 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 ये फास्ट गेम है तो हमको पसंद आएगा। हाँ मुझे पता है आपको पसंद आएगा, बहुत कोई को पसंद आएगा, लेकिन आप उस दोस्त से पूछना जो कि बैटल रॉयल गेम खेलते हैं और जो नॉर्मली गेम खेलता है और उसके बाद वो सोने चला जाता है या दूसरा काम करने चला जाता है, उसको एपिक्स लेजेंड मोबाइल डाउनलोड करके देना और बोलना कि एक घंटे या आधे घंटे तुम खेल के और उसके बाद तुम बताओ कि ये गेम कैसा लगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं ना, मैं अपना यहां पे बताता हूं पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये गेम इतना ज्यादा फास्ट है कि जैसे आप इस गेम के अंदर उतरते हो तो उसके बाद लगातार आपको फाइट करना पड़ता है, भागना पड़ता है इधर से उधर, और आपको एक सेकंड का या क्या सकते हो एक मिनट का भी ऐसा फ्री टाइम नहीं मिलता है जहां पे आप अपने दोस्त के साथ नॉर्मली बात कर सकते हो। अब जो कैंप करके खेलता है उसका तो कुछ यहां पे हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ वो भी कैंप नहीं कर सकता और उस पर मैं आगे आऊंगा। लेकिन हाँ यहां पे एक बात समझ लो कि इसके अंदर आप फ्री होकर अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते हो, बस इसके अंदर फाइट 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 ही चलता है। अब दूसरा जो कारण है वो है इस गेम को पूरी तरह से एपीपी बना दिया गया है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई एपिक्स लेजेंड मोबाइल यहां पे एपीपी में ही अच्छा लगता है खेलने में और वो हमें ज्यादा पसंद आएगा एपीपी के अंदर ही। तो मुझे पता है कि आपको यहां पे एपीपी में वो गेम बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा खेलने में, बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन उसका देखो जो कि पबजी जैसा बैटल रॉयल गेम या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा बैटल रॉयल गेम खेला है, क्या उसको ये पसंद आएगा एपीपी में खेलना? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऊपर से जो इसका टीपीपी है वो बहुत ही ज्यादा गलत रूप में चलता है, या क्या सकते हो टीपीपी यदि खेलोगे इस गेम का तो ऐसा मतलब फील नहीं आता, बहुत ही ज्यादा कार्टून जैसा लगता है। तो यहां पे इसको एपीपी में खेलोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है और कमाल दिखता है, और बहुत सारे ऐसे बैटल रॉयल प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर जो कि एपीपी गेम को हेट करते हैं या उसको पसंद नहीं होता है। और यदि यहां पे आप लोग मुझे पॉइंट आउट करोगे कि तुम भी उसी में से हो कि एपीपी पसंद नहीं है, तो देखो ऐसा भी नहीं है कि मैं यहां पे टीपीपी को हेट करता और ऐसा भी नहीं है कि मैं एपीपी को हेट करता, लेकिन बात वहीं पे आ जाता है कि हमें एक आदत सा बन गया है पबजी और बीजीएमआई जैसा गेम खेल के टीपीपी में ही गेम खेले और उसी में हमें मजा आता है। अब तीसरी कारण मैं बता देता हूं, कैंपिंग। अब देखो बैटल रॉयल का मतलब इंडिया के अंदर तो एक ही चीज होता है, कैंपिंग। करो अपने स्क्वाड के साथ और पेलो, जितने भी बंदे आ रहे सबको पेलो और कैंप कर करके मार के चिकन डिनर लो, तो और भी ज्यादा मजा आता है और भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इस गेम का तो भाई यहाँ पे अलग ही फंडा चलता है, इस गेम के अंदर आप कैंप कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर के पास हैकर जैसा पावर है जो कि आपको दीवार के आर पार या कहीं पे भी देख सकता है, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही ज्यादा कारण बन जाता है। ऊपर से यहाँ पे मैं चौथा कारण भी बता देता हूँ, इस गेम के अंदर मतलब एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर आपको बहुत सारा पावर्स देखने को मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई पावर्स का क्या मतलब बनता है, तो देखो मैं एक बात बता देता हूं, 100 रिदम नाम का एक मोड आया था बीजीएमआई के अंदर, नहीं बीजीएमआई तब नहीं था, पबजी के अंदर आया था, और उसके अंदर सेम ऐसा ही पावर था कि शील्ड बना सकते हो या यहां पे दीवार के आर पार आप देख सकते थे बंदे को, तो भाई उससे बहुत कोई को प्रॉब्लम होने लगा था और बहुत कोई हेट करने लगा था। तो सेम यहां पे एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर भी आपको देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे पावर जो कि भाई कहीं से भी देख लेता है। ऊपर से भाई बहुत सारे इसके अंदर ऐसा कैरेक्टर है जिसका अलग अलग एबिलिटीज है जो कि बहुत कोई को पसंद नहीं आएगा। क्यों मैं बता देता हूं, देखो नॉर्मल बंदा जो है मेरे और आपके तरह जो बंदा है उसको तो पता चल जाएगा कि भाई इसका पावर ये है और ऐसे यूज करना है, लेकिन उस नॉर्मल प्लेयर का देखो जो छोटे बच्चे होते हैं या वो प्लेयर जिसको यहां पे कुछ नॉलेज नहीं होता है गेम का, उसको बस एक ही चीज पता होता है गोली मारो और आगे निकल जाओ, छुप जाओ, पत्थर के पीछे जाओ, लेट जाओ, इतना ही पता है और उसने अभी तक बीजीएमआई ही देखा है, तो क्या उसको यहां पे पता चलेगा कि कैसे पावर यूज करना है, कौन सा पावर कहां पे यूज करना है, कौन सा कैरेक्टर को यूज करना है रस करने के लिए, कौन सा कैरेक्टर को यूज करना है हमें खेलने के लिए? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये भी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगा एपिक्स लेजेंड का फेल होने का इंडिया के अंदर। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं फिफ्थ रीजन के बारे में, तो देखो इसका एक बहुत ही ज्यादा गंदा रीजन ये भी है कि भाई साहब एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर सिर्फ 3 ही बंदे के साथ आप खेल सकते हो, 4 बंदे के साथ नहीं खेल सकते हो। तो यदि आप अपने दोस्त जिसके साथ आप PUBG या BGMI खेलते हो उसे यदि आप कॉल करके बुला भी लोगे एपिक्स मोबाइल के अंदर, तो वहां पे कॉल करके आपने बुला लिया चलो ठीक है, लेकिन क्या आपका दोस्त यदि चारों आ जाएगा या आप चारों एक साथ आ जाओगे तो खेल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है एपिक्स लेजेंड मोबाइल का इंडिया में फेल होने का, क्योंकि भाई हमें तो पसंद है कैंप करना, हमें तो पसंद है स्क्वाड में खेलना, और यदि स्क्वाड कम होगा तो भाई बिल्कुल मजा आएगा ही नहीं। अब यहां पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में, तो देखो नेक्स्ट रीजन है मैप से रिलेटेड। अब देखो एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर जो मैप आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है, और
ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसा सामान देखने को मिलता है एपिक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर और ऐसे ऐसे गन देखने को मिलता है, बहुत कोई को तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे प्रॉपरली गन्स को यूज कर सकते और कैसे यहाँ पे मैप को यूज करके बहुत ही आराम से एडवांटेज लेके दूसरे बंदे पर टूट के उसको यहाँ पे मार के जीत सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। ऊपर से जो नेक्स्ट रीजन है वो है पबजी बीजीएमआई और साथ ही साथ कॉल ऑफ ड्यूटी और न्यू स्टेट। अब देखो ऐसा जो गेम है पबजी जैसा या बीजीएमआई जैसा, न्यू स्टेट या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा, इसमें बंदे अभी तक घुल चुके हैं या ऐसा आप कह सकते हो कि बहुत कोई को ये गेम ही पसंद आता है और इसके अलावा कोई भी गेम पसंद नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, न्यू स्टेट भी आया है पबजी जैसा ही है, वहां पे बहुत कोई गया था न्यू स्टेट के अंदर लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आया तो वो फिर से बीजीएमआई के अंदर आ गए और पबजी के ऊपर आ गए। यहां से एक ही बात पता चलता है कि हम इंडियंस को वही गेम अच्छा लगेगा या वही गेम पसंद आएगा जो कि पबजी जैसा या बीजीएमआई जैसा हो, उससे यदि डिफरेंस हुआ तो हमें पसंद नहीं आएगा। ऊपर से इंडिया के अंदर एक और चीज मैंने देखा है कि एफपीपी गेम जो भी होता है वो यहां पे बहुत ही जल्दी फ्लॉप हो जाता है। इसका एग्जांपल फोर्टनाइट है, फोर्टनाइट भी एक बहुत ही अच्छा गेम था और इंडिया के अंदर भी आया था लेकिन यहां पे फेल हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि फोर्टनाइट बहुत ही ज्यादा हाई एंड डिवाइस के अंदर चलता है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बात सोच लो अभी तक यदि मैंने जो भी गेम देखा है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा स्किन या सबसे ज्यादा कमाल का ग्राफिक्स देखने को मिला है मोबाइल के ऊपर या पीसी के ऊपर, वो तो मुझे फोर्टनाइट लगा है क्योंकि इसके अंदर स्किन्स के मामले में भी बहुत कुछ आया है, ऊपर से वो गेम भी बहुत ज्यादा कूल है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस के बारे में। तो देखो एपिक्स लेजेंड मोबाइल जो है वो एंड्रॉइड के ऊपर 3GB का है, तो भाई वो नॉर्मल डिवाइस के अंदर चलेगा ही नहीं। अभी वो नॉर्मल डिवाइस के लिए पता नहीं लाइट वर्जन लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन नॉर्मली तो अभी देखो तो भाई वो नॉर्मल डिवाइस के अंदर चलेगा नहीं। और वहीं पे बीजीएमआई और पबजी का बात करें तो वो नॉर्मल डिवाइस के अंदर, लो एंड डिवाइस के अंदर भी चलता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि भाई एपिक्स लेजेंड धीरे धीरे फेल हो जाएगा इंडिया के अंदर। अब मुझे पता है इतना बोलने के बाद आप लोग बहुत सारे गुस्से हो गए होंगे और गाली भी लिख रहे होंगे कमेंट के अंदर, लेकिन सोचो क्या इससे पहले ऐसे ही गेम बहुत सारा नहीं आया है? कॉल ऑफ ड्यूटी इतना अच्छा गेम था, वो आया था इंडिया के अंदर लेकिन वो फेल हो चुका है और अभी के लिए इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कम लोग खेल रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को। साथ ही साथ एग्जांपल के लिए हम बात करें तो अभी के लिए देखो यार पबजी न्यू स्टेट एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, जबकि वो पबजी का ही एक नेक्स्ट वर्जन है, कह सकते हो नेक्स्ट जनरेशन है। तो भाई वो भी इंडिया के अंदर आया लेकिन उसका क्या हालत हुआ भाई? मतलब खेलना पहले शुरू किया, बहुत बंदे खेलना स्टार्ट किया सीजन वन के अंदर, लेकिन सीजन टू आते आते बहुत ही ज्यादा लोग कम हो चुके हैं इंडिया के अंदर अभी के लिए। तो भाई इंडिया से बहुत ही ज्यादा कम लोग खेल रहे हैं और दैट्स व्हाई अभी तक आपको कोई टूर्नामेंट भी देखने को नहीं मिला। और बात करें एपिक्स लेजेंड का, तो भाई ये भी अभी एक गेम नया है तो बहुत कोई जाएगा इसके अंदर, लेकिन एक बात मानो कि ये गेम बहुत ज्यादा फास्ट है और धीरे धीरे कोई भी इंसान बोर हो जाएगा क्योंकि इंसान को गेम में सिर्फ फास्ट वे से या कह सकते हो फाइटिंग ही पसंद नहीं होता है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे यूनिक करना, कैंप करना या कह सकते हो फाइट करना भी अच्छा लगता है। तो भाई देखो एपिक्स लेजेंड मोबाइल बहुत ज्यादा अच्छा गेम है लेकिन वो एफपीपी गेम है, खुद को कोई देख नहीं सकता उसके अंदर, तो धीरे धीरे वो डेड होगा। और अभी के लिए आप मेरे को गाली दे सकते हो लेकिन जब यहाँ पे सारे ही यूट्यूबर बनाने लगेंगे वीडियो की एपिक्स लेजेंड मोबाइल कहते डेड हो सकता है इंडिया के अंदर, तब आप गाली को यहाँ पे एडिट करके कोई अच्छा सा कमेंट कर देना। तो इस वीडियो के अंदर जो भी बात बताया मैंने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यदि आप मेरे से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और यदि डिसएग्री करते हो तो वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। लाइक और डिसलाइक करना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब कुछ कर देना। मैं तो आप सबको फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग।